नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। अक्सर हमने अपने बड़ों से सुना है कि सच्चा भक्त सब कुछ त्याग कर अपने ईश्वर की भक्ति में लीन होता है। अपनी साधना के दौरान उसे दुनिया, जीवन और शरीर के होने का एहसास भी नहीं रहता। कहते हैं इस दौरान एक भक्त और उसका ईश्वर आमने सामने होते हैं। यही कारण है कि एक भक्त को दुनिया में होने वाले किसी भी घटनाक्रम की कोई खबर ही नहीं होती। हालांकि ये बातें महज कहानी मात्र है। क्या कोई व्यक्ति किसी तरह इस तरह ध्यान लगा सकता है कि जहां वो है वहां की उसे खबर ही ना रहे। लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर में ईश्वर से भक्ति और साधना की एक ऐसी अनोखी मिसाल सामने आई है जिसने ये सिद्ध कर दिया है कि भगवान की साधना में सच्चा भक्त इस कदर लीन हो जाता है कि उसे दुनिया की खबर ही ना रहे। जी हाँ, रविवार को छतरपुर जिले में नैनागिरी तीर्थ में जैन साध्वी की धर्म के प्रति अटूट निष्ठा और समर्पण का अनूठा मामला सामने आया जिसमें उनका समाधि मरण हो गया। शुक्रवार रात आयर का सुन्यमती माताजी सामायिक साधना कर रही थी। इसी दौरान सिगड़ी की आग उनके वस्त्रों तक पहुंच गई। इससे वो करीब 90% जल गई। उन्हें शहर के भाग्योदय अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने समाधि लेने की इच्छा जताई और रविवार सुबह 5:30 बजे उनका समाधि मरण हो गया। तय नियम के तहत साध्वी शुक्रवार शाम साधना के लिए अपने कक्ष में चटाई लपेट कर बैठ गई। वो 45 से 50 मिनट की साधना कर चुकी थी। तभी एक श्राविका ने सिगड़ी में कुछ अंगारे कमरे के बाहर रख दिए ताकि साधना के बाद माताजी की सेवा कर सके। इसी दौरान किसी जरूरी काम से वो सिगड़ी छोड़कर चली गई। तेज हवा से पर्दे ने आग पकड़ ली और साध्वी की चटाई भी जलने लगी। चूंकि उनकी साधना की अवधि बची हुई थी इसलिए वो वहां से नहीं हटी। कुछ ही देर में आग उनके कपड़ों से गले तक पहुंच गई। चंद मिनटों बाद जैसे ही उनकी साधना की अवधि पूरी हुई उन्होंने चटाई को शरीर से अलग करने का प्रयास किया। इस दौरान उनकी खाल भी शरीर से अलग हो गई। तब तक वहां पहुंचे श्रावकों ने उन्हें संभाला और अस्पताल ले आए। साध्वी ने अस्पताल में समाधि की इच्छा जताई और करीब 30 घंटे बाद समाधि ली। यह मुक्तिधाम में विनियामांजलि सभा में लोगों ने आये का सुन्यमती माताजी के जीवन पर आधारित कई दृष्टांत सुनाए। मुनि सेवा समिति के सदस्य मुकेश जैनढाना ने बताया कि आयरका सुन्यमती माताजी ने 16 अगस्त 1980 को आचार्य श्री विद्यासागर महाराज से मुक्ति गिरी में ब्रह्मचार्य व्रत लिया था। 6 जून 1997 को उन्हें आयरका दीक्षा रेवा तट नेमावर में आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने दी थी। शुरुआत में वो आयरका आलोकमती माताजी का संग में थी। बाद में स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होने से वो व्हीलचेयर पर चलने लगी थी। तो देखा आपने, एक साध्वी को पता ही नहीं चला। वो इतनी ज्यादा लीन थी अपनी भक्ति में कि 90% जलने के बावजूद वो साधना करती रही। तो ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज़। शुक्रिया।